रियलिटी शो बिग बॉस 12 में नए हफ्ते की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई है। सोमवार को बिग बॉस ने घर वालों को नॉमिनेशन टास्क के साथ रैंकिंग टास्क भी दिया, जिसके दौरान घर में दोस्ती के नए समीकरण बनते हुए नजर आए। इसके अलावा दीपक और जैस्लीन का झगड़ा भी बीते एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा। दिन की शुरुआत में ही मेघा घर में नया ग्रुप बनाने की तैयारी में लग गयी। मेघा ने नए ग्रुप के लिए सबसे पहले दीपिका को अपने पाले में लेने की कोशिश की। मेघा का कहना था कि वुल्फ पैक के लोग उन्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं। नॉमिनेशन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बिग बॉस ने घर वालों से कहा, आप बिग बॉस के घर में पिछले 6 महीने से हैं। बिना दिवाली मनाए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन किसी एक कंटेस्टेंट को दिवाली के मौके पर अपने परिवार वालों के साथ मिल सकता है और उस कंटेस्टेंट का चयन आज की नॉमिनेशन प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। नॉमिनेशन के लिए बिग बॉस ने सबसे पहले मेघा को कन्फेशन रूम में बुलाया। बिग बॉस ने मेघा से कहा कि वह ऐसे दो कंटेस्टेंट का नाम बताएं जो वो घर से बेघर होने के लिए बचाना चाहती हैं। मेघा ने दीपिका और सोमी खान का नाम लेते हुए कहा कि इन दोनों को बिग बॉस के घर में रहना चाहिए। सभी घर वालों की राय जानने के बाद बिग बॉस ने दीपक को घर का कैप्टन होने के नाते पावर दी है कि वह नॉमिनेट होने वाले सदस्यों को छोड़कर किसी एक सदस्य को भी बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए दीपक ने श्रीशांत को बेघर होने के लिए घर से नॉमिनेट कर दिया। नॉमिनेशन प्रक्रिया का पूरा होने पर बिग बॉस ने बताया कि इस हफ्ते मेघा, शिवाशीष, करणवीर, दीपिका, उर्वशी, रोहित, सृष्टि, जैस्लीन और श्रीशांत नॉमिनेटेड हैं और इसमें कोई एक कंटेस्टेंट घर के बाहर होगा। नॉमिनेशन प्रक्रिया का पूरा होने पर बिग बॉस ने इस हफ्ते सेफ रहने वाले कंटेस्टेंट को नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट के रैंकिंग तय करने का काम दिया है। इस टास्क के लिए गार्डन एरिया में 1 से लेकर 9 तक के बोर्ड लगा दिए गए और रैंकिंग के आधार पर ही कंटेस्टेंट को वहां खड़ा होने का आदेश था। दीपक, सुरभि, रोमी और सोमी से मिलकर श्रीशांत, करणवीर, दीपिका, जैस्लीन, मेघा, रोहित, सृष्टि, शिवाशीष, उर्वशी को 1 से 9 नंबर पर रखा गया। इस रैंकिंग को लेकर जैस्लीन ने दीपक से लड़ाई की और कहा कि उसे दूसरे नंबर पर रखा जाना चाहिए था। आगे की अपडेट्स देखते रहिए योयो टीवी हिंदी के साथ। हाय एवरीवन, क्या आपने योयो टीवी ऐप डाउनलोड किया? नहीं तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगा न्यूज एंड एंटरटेनमेंट मसाला। जी हाँ, तो जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए योयो टीवी ऐप।